नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या के मऊ शिवाला स्थित पलिया शाहबादी मिश्राना के मां काली मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुभाष चंद्र मिश्रा व बालकृष्ण मिश्रा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें प्रमुख कथावाचक अंकित दास महाराज के मुखारबिंद से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की गई, जिसका रसपान श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया और भक्ति में लीन हुए। वहीं 7 दिवसीय कथा के समापन के बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई और मंदिर मिश्राना से पलिया शाहबादी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करते हुए मऊशिवाला स्थित पौराणिक रुद्रेश्वर महादेव शिव मंदिर पर इसका समापन हुआ और 25 मार्च को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये भंडारा शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर प्रभु ईक्षा तक अनवरत चलता रहेगा और उसी दिन देवी जागरण का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर जजमान नीलम मिश्रा, अंद्रेश मिश्रा, अनिल मिश्रा और श्रद्धालु व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। भव्य किस तरह की यात्रा है और ये यात्रा पलिया शाहबादी मिश्राना होते हुए रेलवे क्रॉसिंग सनबीम विद्यालय से पलिया शाहबादी क्रॉसिंग होते हुए पलिया चौराहा मऊ शिवाला शंकर भगवान के मंदिर पे होते हुए पुनः वापस माँ काली जी के मंदिर में समाप्त होगी। ये हम लोगों की कथा प्रतिवर्ष ये कभी श्री राम कथा 7 दिन की होती है, कभी श्रीमद् भागवत कथा होती है। आज महिलाओं की कलश यात्रा निकाली है और हमारा भंडारा 25 तारीख को, जिसमें 5 से 6 हज़ार आदमियों की व्यवस्था की गई है। इस भंडारे में गाँव के जो भी श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जो भी माँ में भोले शंकर में अपनी आस्था रखते हैं, वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरा गांव, सभी जातियों के लोग इसमें हैं। इसमें निषाद भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, एससी भी हैं। हर जात के लोग इस कथा में शामिल होते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये इसका समापन मऊ शिवाला रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के जो भव्य पौराणिक मंदिर है उसमें समापन होगा। ये यात्रा पलिया शाहबादी पूरे ग्राम सभा में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों को टच करते हुए हम लोग सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं। अपने सभी मंदिरों देवी देवथान का जो पौराणिक मंदिर है हम लोगों के बचपन में, उसको हम दर्शन करते हुए तब हम लोग जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हम मैसेज देंगे कि हमारे जो भी लोग, जो भी बेकार लोग रामचरितमानस पे या उधर उधर की टिप्पणी टीका कर रहे हैं, आज भी ईश्वर सत्य है। दिन होता है, रात होती है और पानी बरसता है। और एक वुहान से कोरोना निकला जिसमें वर्ल्ड की सारी डॉक्टर फेल हो गए, इसका मैसेज हम ये लोग देते हैं, आज भी ईश्वर है और सत्य है। मेरा नाम बालकृष्ण मिश्रा है।